गेट अच्छी चीज है, हम समझ भी गए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट राइट, इनफैक्ट कैसे हम सही से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ये बताया कि सबसे पहला काम जो आप करें वो समझने की कोशिश करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या आप पढ़ चुके हैं और क्या क्या आपका पढ़ना बाकी है, या क्या आप ज्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं और किसमें आपको मुश्किल हो गए। तो ये आपके ही अपना, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। ये हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल सिविल में किसी को स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, किसी को जियोटेक अच्छा नहीं लगता, किसी को जियोटेक अच्छा लगता है, किसी को एनवायरमेंट अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने तौर पे ही इसको एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा क्या है और कैसे। इनफैक्ट मैं कहूँ तो आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचाने सिलेबस को डाउनलोड कर करके, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करना शुरू करें। उसके लिए मैं पैटर्न की बात करूं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का एग्जाम का क्वेश्चन रहता है, पैटर्न क्या होता है, कोर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको मैं सिंपली ये बताता हूं कि टोटल वो ऑनलाइन होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, टोटल क्वेश्चन 65 होता है और आपको 180 मिनट लगेगा, टाइम मिलता है उसके लिए, तो मोटा मोटी आप देख लें। अगर मैं बात करूं कि कोर सब्जेक्ट, सपोज आप इंजीनियरिंग के लिए गेट लिख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल में, तो कोर सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग का होगा उसमें 55 क्वेश्चंस होंगे और आपका मार्क्स जो होगा वो 85 मार्क्स होगा इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। इसमें यह याद रखना है कि इसमें मैथ भी रहेगा। अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो 10 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स। तो अगर देखा जाए तो टोटल 65 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स है और टाइम 180 मिनट्स है। 65 क्वेश्चन, 100 मार्क्स एंड 180 मिनट, यही पूरा पैटर्न है, आपको ये समझना है। तो सिलेबस के बाद जो दूसरी चीज समझना है कि एग्जाम का पैटर्न आपको, ताकि उससे आपको आइडिया मिलेगा, स्ट्रेटजी मिलेगा तैयार करने का, तैयारी करने का आपको मौका मिल जाएगा कि कैसे हम प्रोसीड करें, कैसे पढ़ें, किसको वेटेज ज्यादा दें, किसको वेटेज कम दें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह का क्वेश्चंस होगा, वो जो 65 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे होता है वो समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन जो होगा हमारा तीन तरह का होगा, MCQ, MSQ एंड NET। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चार ऑप्शंस होंगे, ये एक मार्क्स का हो सकता है और दो मार्क्स का भी हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कर रहे हैं, अगर आपने गलत आंसर पे आंसर कर दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी, ये चीज का ख्याल रखना। तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है, टाइम का भी ख्याल रखना है। तो MCQ क्वेश्चन में जैसा हमने कहा आपको के चार ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से कोई एक ही करेक्ट होगा, उस करेक्ट आंसर को अगर आप करते हैं तो चाहे वो एक मार्क्स का है तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, अगर दो मार्क्स का है तो दो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर गलत ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। तो ये चीज है। दूसरा क्वेश्चन जो टाइप है वो है MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके ऑप्शन चार ही रहेंगे, ABCD या 1, 2, 3, 4, लेकिन उसमें कोई एक सही नहीं हो सकता है, नहीं होगा, एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, या चारों सही आंसर हो सकते हैं। तो आपको अगर आपने सही आंसर्स, मतलब सपोज कोई क्वेश्चन है जिसका A, B और D आंसर सही है, आपने सही टिक लगा दिया A, B और D, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत आंसर लगाया तो आपका मार्क्स नेगेटिव भी नहीं होगा, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसको भी बहुत ख्याल से, कभी चूंकि ये गेट का थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है तो बहुत ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत क्लोज होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, सीखते हैं आपके प्रिपरेशन के दौरान, तो बहुत ही उसको सही से ध्यान से समझ करके इस में आपको लगाना है, नहीं तो लगेगा कि एक ही आंसर है, एक ही तरह का है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया भी जाता है ताकि स्टूडेंट का
जो कंसेप्ट है वो चेक किया जा सके। तो इसमें भी आपको ध्यान से क्वेश्चन आंसर करना है कि एक सही है कि दो सही है कि तीन सही है कि चारों सही है, तो उस हिसाब से आपको निकलना है। तीसरा जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, NAT। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन दिया रहेगा और फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको जो आंसर करना है वो आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। सपोज 18.245 आया है, तो आपने अगर ये लिखा और आंसर सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत लिखा है तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें, तो इसमें भी आपको बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान देकर के सॉल्यूशन निकालना होगा, समझना होगा, ठीक है। वहां पे आप कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर जो है यूज कर सकते हैं आप कैलकुलेशन के पर्पज से। बहुत दफा बच्चे परेशान होते हैं कि सर इतनी तैयारी भी करें और क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इसका गेट की तैयारी करते हैं और अगर आपका नौज बिल्ला नहीं भी हुआ, मतलब किसी कारणवश नहीं भी होता है, तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो प्लेसमेंट है उसमें भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट में चाहे कॉलेज के प्लेसमेंट में जो भी कंपनियां आती है क्या करती है, ज्यादातर मैथ्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में पूछती है। तो वो मैथ और एप्टीट्यूड तो आपने गेट की तैयारी के दौरान बहुत अच्छे से तैयार किया है, तो आप आसानी से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो टेक्निकल जो पेपर्स हैं, जो इंजीनियरिंग के पेपर हैं, जो कोर सब्जेक्ट है, गेट की तैयारी के दौरान आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो अगर टेक्निकल राउंड भी होता है, उसका भी अगर एग्जाम होता है प्लेसमेंट के दौरान, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं ये आपको कहूँगा कि गेट का प्रिपरेशन लेना या एग्जाम में बैठना कहीं पे भी आपको कोई घाटा नहीं लगेगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे, मैं अभी डिस्कस कर रहा था क्लास में, तो बहुत सारे बच्चे फीस को लेकर के कंसर्न है कि सर तैयारी तो नहीं है और फीस लग जाता है थोड़ा ज़्यादा, 1600-1700 रुपये है इस तरीके का। तो मैं ये कहूँगा कि आप समझ जाइए कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप देखें, आपका वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब कि वरदान साबित हो सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना बड़ा रिजल्ट वो दे देगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा अगर आप क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो। और एक चीज और भी तो देखें कि आप अगर सीरियसली घंटा दो घंटा अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम से कम आप देखिए रैंक तो अच्छा ला ही सकते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि एटलीस्ट क्वालिफाई तो जरूर कर पाएंगे। क्यों क्वालिफाई कर पाएंगे कि अभी हमने आपको दिखा बताया कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें से 15 मार्क्स जो है वो एप्टीट्यूड का है, और अगर मैथ को आप और जोड़ लें तो करीब करीब 25-28 मार्क्स का आपको मैथ एंड एप्टीट्यूड है। मैथ एंड एप्टीट्यूड से ही आप 28 मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं, चाहे तो आप थर्ड ईयर में भी हों, चाहे आपको ये फील हो रहा हो कि अगर हमारा तो अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ, सब्जेक्ट नहीं हुआ, तो मैथ्स तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, मैथ्स आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जा चुका है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और आप ट्वेल्थ में भी आप चूंकि इंजीनियरिंग किए हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम लिखा होगा ट्वेल्थ के दौरान, एंट्रेंस एग्जाम, तो आपका मैथ्स तो ऐसे ही अच्छा है, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड को लेकर करके भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपके साथ एक बहुत अच्छा मौका, तो ये कभी ना सोचे कि हमारी तैयारी खराब है या अभी तो सिलेबस कवर नहीं हुआ। आप जहां तक भी किए हैं अगर उसको अच्छे से पढ़ करके आप एग्जाम को लिखेंगे, तो आपको एक बात याद रखिएगा कि आप क्वालिफाई तो जरूर कर सकते हैं।